नमस्कार दोस्तों, आज देखिएगा थालपोश बनाने जा रही हूँ मैं। और देखिएगा कितना सुंदर कितना प्यारा डिजाइन बनाया है मैंने। और ये मेरा नया डिजाइन है। तो देखिएगा हमारा थालपोश तैयार हो चुका है, आप भी बना सकते हैं। और इसको दो कलर में भी बना सकते हैं, मैंने एक कलर में बनाया है। ये देखिएगा बहुत सुंदर डिजाइन है, बहुत प्यारा डिजाइन है। ये देखिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। जो मेरे चैनल पे पहली बार है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कि हमने ये किस तरीके से तैयार किया है। और ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया में पूरा तैयार हुआ है हमारा। यहाँ से हमने ट्रिपल क्रोशिया तैयार लगाया है और यहाँ तक हमारा ट्रिपल क्रोशिया भी तैयार हुआ है। और ये दो लाइन हमने डबल क्रोशिया की बनाई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कि आगे हमने कैसे बनाया है। तो देखिएगा ये 11 नंबर का हमारा क्रोशिया है और मैं ज़्यादातर ऐसे 11 नंबर का ही क्रोशिया यूज करती हूँ मैं। ये देखिएगा आप देख सकते हैं नंबर इसका। और ऊन मेरी ना मोटी है ना पतली है, नॉर्मल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कि हमने कैसे ये तैयार किया है। सबसे पहले हम इसमें एक गांठ लगा लेंगे इस तरीके से। और इसमें हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 6 चेन बना के और यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से बंद करना है इसको। और यहाँ पर 1 2 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसमें से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा जाएंगे। डबल क्रोशिया मैंने गिनी नहीं है, इसमें कितनी बनेंगी इस तरीके से हम 2 लाइन बनाएंगे इसमें। ऐसे करके पूरा डबल क्रोशिया इसके अंदर हम बना लेते हैं। और जो हमारा नीचे का जो धागा है हमने वो भी साथ में ही ले लिया है, जो कि पीछे दिखाई ना देवे। तो इस तरीके से मैं 2 लाइन बना लेती हूँ। तो देखिएगा हमने इसमें 3 लाइन बनाई हैं, ये अंदर का गोला छोड़ के 2 लाइन अलग से हमने बनाई हैं। तो ये देखिएगा हमारा ये 3 लाइन तैयार हो चुकी है जो गोले के समेत है हमारी। और इसमें आप देखना 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। और 3 चेन बनाने के बाद 2 दफ़े धागा घुमाएंगे और इसी जगह से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से लेंगे धागा, ऐसे बनाया और इसको पूरा नहीं निकालेंगे। और फिर से हम धागा घुमाएंगे और यहाँ पर हम फिर से यही बनाएंगे। ये हो गया, तो ये हमारे 3 हो गए। यहाँ पर हम बंद कर देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर 1 चैन लेंगे और फिर से धागा हम 2 दफ़े घुमाएंगे और इसी जगह से हम फिर से निकालेंगे, जो कि हम 3 दफ़े बनाएंगे। और ये धागा हमें पूरा नहीं निकालना है, जब हमारे 3 धागे पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम निकालेंगे पूरा एक साथ। तो ये देखिएगा ये धागा हमारा इसका है और 3 धागे हमारे ये हो गए। और ये थोड़ा सा ढीला करके हम एक साथ निकाल देंगे। एक साथ निकाला और 1 2 3 3 चैन ली, फिर से धागा घुमाएंगे इस तरीके से और हम
ये दो डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे, एक ये वाली, और इसमें से हम यहाँ पर बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है ये। ये देखिएगा, एक चैन लेंगे बीच में और फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और एक साथ नहीं निकालेंगे हम, तीन धागे हो जाएंगे हम पूरे, उसके बाद ही हम निकालते हैं। ये देखिएगा, इस तरीके से हम निकाल देंगे, तो ये हमारे दो डिजाइन तैयार हो गए। तो इसी तरीके से मैं पूरा करती हूँ लाइन को, तो देखिएगा हमारी ये लाइन तैयार हो चुकी है। एक लाइन हमारी ये पूरी देखना तैयार हो चुकी है। तीन चैन यहाँ पर ली हैं और एक चैन हमने बीच में ली है, ठीक है, और ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। यहाँ पर हम तीन चैन लेके और यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और अब इसको हम सिंगल क्रोशिया से इसको बीच में ले आएंगे यहाँ पर, तो ये हमारा बीच में आ गया, आधे आधे फंदे हो गए यहाँ पर। फिर एक दो तीन, तीन चैन बनाई, फिर से देखना एक दो, दो दफ़े धागा घुमाएंगे, और दो दफ़े धागा घुमाने के बाद फिर से तीन दफ़े यही चार दफ़े बनाएंगे। अब देखना, एक हो गया, दो, तो ये देखना हमारे चार दफ़े ये हो गया। और यहाँ पर ढीला करके इस तरीके से हम बना देंगे, एक चैन लेंगे, चैन हमारी बीच में एक ही रहेगी, और फिर से हम दोबारा से यही बनाएंगे, चार दफ़े बनाएंगे अब हम। ये देखिएगा हमारे तीन दफ़े हो गए, एक दफ़े और बनाएंगे, तो ये हमारे चार दफ़े धागे हो गए, और इसको इस तरीके से हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम अभी हमने तीन दफ़े चैन उतारी थी, तीन चैन उतारी थी, अब एक दो तीन चार, चार चैन उतारी हैं, ठीक है। फिर से धागा घुमाएंगे, चार दफ़े धागा घुमा के, चार चैन लिए हैं सॉरी, और तीन दफ़े धागा घुमा के फिर से हम यहाँ पर चार दफ़े बनाएंगे। अभी हमने तीन का बनाया था, तीन का डिजाइन बनाया था, अब हम चार का बनाएंगे। आप आगे चल के पाँच का भी बना सकते हैं, छः का भी बना सकते हैं, जो कि आगे का डिजाइन हमारा थोड़ा सा चौड़ा हो जाए। तो इस तरीके से हमने चैन हमारी बीच में एक ही रहेगी, और आगे के लिए जो हम चैन लेंगे वो हम चार चैन लेंगे इस तरीके से। और बहुत प्यारा डिजाइन है थालपोस में ये वाला डिजाइन। आप जैसे जैकेट बना रहे हैं, जैकेट में भी डाल सकते हैं, जैसे लड़कियों की हम जैकेट बनाते हैं तो उसमें भी हम ये वाला डिजाइन डाल सकते हैं, बहुत प्यारा डिजाइन लगेगा। तो एक दो तीन और ये चार, चार हो गया, फिर से हम धागा घुमाएंगे इस तरीके से और इसमें बनाएंगे आगे वाले में। इस तरीके से चैन हमारी बीच में एक ही रहेगी यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं ये पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखिएगा हमारी ये दूसरी लाइन तैयार हो चुकी है, इस तरीके से मैंने तैयार कर ली है। ये हमारी पहली लाइन हमारी तीन की है, और दूसरी लाइन हमारी चौथी की है, जो चार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। और अब हम क्या करेंगे देखना,
यहाँ से हम फिर से हम बीच में आएंगे, यहाँ पर बीच में आ गए हम सिंगल क्रोशिया से, और एक दो दो चैन लेंगे यहाँ पर। दो चैन लेने के बाद यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया हो गई, ठीक है। फिर एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशिया हम इसके ऊपर बनाएंगे। ये देखिएगा, जो हमने जो चार का बनाया था इनके ऊपर से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया बनाए। आगे की लाइन हमारी ये पूरी डबल क्रोशिया की बनेगी, और हम यहाँ पर देखना एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया हम इसके ऊपर बनाएंगे, जो हमने चार डबल क्रोशिया बना रखे हैं इनके ऊपर से, और यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से। यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो ये हमारी जो चार ट्रिपल क्रोशिया है इनके ऊपर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो हमने एक चैन ली थी इसके बीच में से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके ऊपर से, और यहाँ पर आके हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से मैं पूरी डबल क्रोशिया की ये लाइन तैयार करूँगी, उसके बाद आगे का डिज़ाइन हम बताएंगे कि हमने किस तरीके से ये तैयार किया है। आगे का डिज़ाइन भी यही रिपीट होगा ऊपर। ये देखिएगा, इस तरीके से बनाया, यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक दो तीन, तीन बनाई, और जो हमारी ये है इनके बीच में से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमारा जो डिज़ाइन है ट्रिपल क्रोशिया का, इनके ऊपर से दो बनानी है, और जो यहाँ पर है जो एक चैन ली थी इसके बीच में से हम दो डबल क्रोशिया बनानी है, और जो बीच की जाली है बड़ी वाली इसमें से हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से मेरा ये लाइन तैयार कर लेती हूँ। तो देखिएगा, हमने ये वाली लाइन भी हमने तैयार कर ली है, क्योंकि हमने डबल क्रोशिया की बनाई है। अब इसके ऊपर हम यही वाला रिपीट करेंगे, यही वाला डिज़ाइन हम तैयार करेंगे। तो ये वाला हम डिज़ाइन किस तरीके से तैयार करेंगे मैं बता देती हूँ। तो देखना, हमारा ये बिल्कुल बीच वाले में आके हमारा अटैच हुआ है, देखना ये वाले। तो यहीं पर ये हम एक दो दो चैन बनाई हैं, और फिर से हम इसी जगह से, ये देखना, यहाँ से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें हम पांच डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अभी हमने पहले वाले में हमने तीन बनाई, फिर चार बनाई, इसमें हम पांच बनाएंगे, ठीक है। फिर धागा घुमाया, आप चार भी रख सकते हैं, तो ये हमारे चार हो गए। और ये पाँच, पाँच हो गए। पाँच होने के बाद इस तरीके से ढीले हाथ छोड़ के हम और इसको बंद कर देंगे, और एक चैन ले लेंगे, और फिर से हम दोबारा से इसी जगह से ही ये ट्रिपल क्रोशिया हमें बनाना है, इस तरीके से। ये तीन से चार लाइन में ये तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। टाइम होना चाहिए आपके पास, मैंने ये दो घंटे में मैंने तैयार कर लिया था। तो तीन हो गए, चार और ये पाँच, तो ये हमारा पाँच का डिजाइन ये बन गया है। पाँच का डिजाइन बन के इस तरीके से हमारा बंद कर देंगे। अब इसमें देखना, एक दो
और ये तीन। यहाँ पर हम तीन चैन लेंगे, देखना। तीन चैन लेने के बाद जो हमारा ये भी जो हमने यहाँ पर हमने तीन लिए थे, ठीक है, और दो हमने इनके ऊपर बनाए थे, दो इधर के बनाए थे और तीन इसके ऊपर बनाए थे। तो इसके बीच में से हमें यहाँ से हमें ट्रिपल क्रोशिया दोबारा से हमें यहाँ पे बनाना है इसके बीच में। तो बिल्कुल बीच में होना चाहिए, आधे आधे फंदे होने चाहिए, डबल क्रोशिया होनी चाहिए। तो एक बनाया, दो बनाया और यहाँ पर हमने तीन बनाया। यहाँ पर हम तीन का बनाएंगे, हम यहाँ पांच का नहीं बनाएंगे। तो ये बंद हो गया और फिर से हम ये तीन का बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया हमें आधी आधी करनी है, इसमें आधी आधी छोड़नी है दोनों तरफ, जो यहाँ पर हम बीच में जो हम बनाएंगे इसमें से, और बाकी जो हम हमारा जो आगे का डिजाइन चला आ रहा है उसमें से हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पर एक दो तीन चैन बनाइए। तीन चैन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर देखना, ये वाले डिजाइन पे आगे हम जो हमारे ये नीचे से जो डिजाइन चला हुआ आ रहा है इसके ऊपर आ गए। तो इसके ऊपर हमारा डिजाइन देखना, इसके ये वाला बीच में आएगा। तो ये वाले बीच में हम फिर से बनाएंगे, यहाँ पर हमारी पांच ट्रिपल क्रोशिया बनेंगी। अगर आप डिजाइन यही वाला रखने चाहते हैं तो आप चार का ही रख सकते हैं। तो मैंने ये वाले डिजाइन में हमने पांच रखे हैं इस तरीके से, तीन और ये चार और ये पांच। तो ये हमारे पांच ट्रिपल क्रोशिया हो गए, ठीक है। एक चैन ली, चैन हमारी यहाँ पर एक ही रहेगी और फिर से हम यही वाला बनाएंगे। और फिर से हम देखना, यहाँ पर एक दो तीन चैन ली। तीन चैन लेने के बाद देखना, फिर से मैं बता रही हूँ, तो ये हमारे बीच में आ गए। तो हमने यहाँ पर ये दो दो डबल क्रोशिया ली थी, इनके ऊपर ली थी, तो दो हमारी दो डबल क्रोशिया ये रही और दो डबल क्रोशिया ये रही। तो हमारे इसके बीच में हम यहाँ पर इसमें से लेंगे। बस यही ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ बीच में ये वाला डिजाइन हमारा आना चाहिए, इस तरीके से। यहाँ पर हम तीन ही बनाएंगे, चार पांच का नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हम तीन दफे ही ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। ये हो गया, एक चैन ले ली और फिर से धागा घुमाया, फिर से हम तीन बार इसी तरीके से बनाएंगे। धागा एक ही बार एक साथ नहीं निकालना है। जब हमारे तीन धागे पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमें निकालना है, तो हमारा ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो जाएगा, ये देखिएगा। और फिर से हम यहाँ में तीन चैन बना के फिर हम इसके बीच में बनाएंगे। इसके बीच में हमारा यहाँ पर आ रहा है। बस यही ध्यान रखना है, जितना बड़ा आपको बनाना है इस तरीके से, ऐसे हमारा बनेगा। और मैं इतना ही बनाकर दिखाऊंगी, आप इससे बड़ा बनाएंगे तो यही डिजाइन आप रिपीट करेंगे। जब आगे बनाएंगे तो ये वाली लाइन एक लाइन और बना सकते हैं, एक लाइन इसकी बना के फिर हम ये वाली डबल क्रोशिया बना सकते हैं। उसके बाद आपका थालपोस तैयार हो जाएगा, जितना बड़ा आपको बनाना है थालपोस तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी और बनाने का तरीका कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते।